सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश ब्लॉग। मैं बहुत बढ़िया, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है इसलिए मिलता है फ्रेश ब्लॉग में। लिखने ब्लॉग की शुरुआत तक एक फ्रेश डे के साथ, और इसी के साथ एक और नया ब्लॉग, एक और नया एकदम दिवाई मोर में रखी है। सुबह सुबह तैयार रखे कॉलेज जाने के लिए। तो चैनल तक अपने जा रहे हैं एज यूजुअल। और बाहर भाई रात से बारिश हो रही, लास्ट ब्लॉग में देखा भी होगा भाई से कि भाई मेरे को बुलाया था भाई, इतनी तेज बारिश हो रही है, कब से रात से भाई बारिश ही हो रही है, अब जाकर रुकी है भाई थोड़ी सी। और बादल अभी भी नहीं थमा रहा है भाई, ऐसा ना हो रास्ते में भीग जाए जाके। चलो तब की खैर, तब देखेंगे जब भीगेंगे। तो अभी तो चाय पीने जा रहे हैं। दो मम्मी चाय बनाओ। देखो ये बन गया लंच, ये कुछ ज्यादा है मम्मी। ज्यादा नहीं, पेट नहीं भरेगा, फिर आगे की ब्लड का है। चाय तीन ही ब्लड का। केचप रखो। अच्छा इसमें केचप है। ठीक, तो भाई ये अपना ब्रेकफास्ट आ गया भाई। हाँ क्या क्या खुद ही जाके ले आए। और अपन लोग चाय पियेंगे भाई आज एक कप, वो भी मैकडॉनल्ड्स के क्लास में। सो फाइनली गाइस आ गए भाई तैयार होके, और देख रहे हो गए एकदम से भाई कपड़े चेंज हो गए। कपड़े चेंज भाई, अभी भाई शर्ट पहने थे, शर्ट में भाई गिर गई चाय थोड़ी सी, तो हमने सोचा भाई चलो एक काम करते हैं, तब तक के लिए दूसरी शर्ट पहन लेते हैं, टी शर्ट। तो भाई मैंने फिर दूसरी टी शर्ट पहन ली। अब देखो वापस से चल रहे हैं भाई यहाँ से कॉलेज, और पढ़ाई करेंगे वहाँ पे, फिर अंदर तो करेंगे नहीं, बाहर चल के व्लॉग करेंगे शाम में जाके सीधा। तो देखते रहो व्लॉग को और मज़े करते रहो। बाकी ठीक है एज यूजल, दो चीज़ तरह भाई जो पढ़ रहे हैं। और प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट हो गया मेरा, तो शाम को आपको बताएंगे, अभी तो फ्री नहीं है, जल्दी जल्दी हो रही है, शाम को आपको बताएंगे किस चीज़ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी। सो उसके बारे में आपको शाम को जानकारी देंगे जब व्लॉग। ये भी डालो भाई, तुम भी तो देख रहे हो यार, मामा हमारा नाराज हो रहा है यार। गाइस आप लोग में से किधर उधर है, हाँ तो उधर चलो, आओ वैन को उधर बुला लेना। ये देखो भाई, ये देखो आप यहाँ पे आ सकते हो, थोड़ी मोटी चीजें खा सकते हो, सत्यम कभी अभी नहीं खिलाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट भाई, निकला हो गया भाई कॉलेज का। और ये देखो बना रहे, अभी भी चल रहा है यार। कहाँ जा रहे हो? बाइक को ब्लॉक में लो, दो मिनट रुको, आओ नैतिक भाई को सुन नहीं रहा, नैतिक को लो यार। अरे हाँ भाई आओ, हमारा भाई नैतिक भाई है, और ये हमारे क्लास का भाई मेन सिंगर है। तो ऐसा पूरा सीन है। कहाँ सत्यम दो मिनट रुको यार भाई, कहाँ लेट हो रहा है उससे बोलो, 10 मिनट रुको। देखो भाई बतासा खा रहे भाई, क्या लिखा है जी? आ गया भाई मेरा भाई आ गया। और न दौलत देखी जाती ना कीमत देखी जाती, जल भाई हम लोग का नंबर सही नहीं आया भाई। अपन लोग ने सोचा भाई, देखो सत्यम आज भाई सत्यम के पास एक गुड न्यूज है भाई। क्या गुड न्यूज है आज सत्यम, तुमने क्या किया है? नहीं नहीं, लंच में तुमने क्या क्या तुमने आज हासिल किया है? आज हमारे सत्यम बन गए टेक्निकल हेड। किस चीज के? टेक्निकल हेड। किस चीज के? आज से सत्यम गुप्ता के टेक्निकल हेड। वो सिर्फ तुमने फॉर्म भरा होगा भाई। चलो मामा आए, स्कैनर भेज रहा है, फिर 20 रुपए का। देख सुन नहीं, सुनीस भी नहीं, क्या कर रहा है? लाओ भाई ये कमी भी लाओ, अगर हेलमेट छूटा नहीं छूटेगा तब तुम गए बेटा भाई। लेकिन तुमने अपना नाम तो भाई हो गया भाई खाली है भाई, बतासा भाई, भाई ने बढ़िया एकदम बतासे खिलाए अपने। और कॉलेज के गेट के जस्ट बाहर लगता भाई, जितने भी लोग हो भाई आगे एक बार बतासा जरूर आओ। इनका हेलमेट कहाँ है? चलो इसी खिलाओ गाड़ी धीरे धीरे। देख रहे छुट्टी उट्टी हो गई सब यार, निकलते हैं वापस से घर के लिए भाई। आज दिन भर भाई इतना एग्जॉस्ट हो गया ना भाई कि क्या ही बोले भाई। एक तो भाई हम लोग का सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया जैसे कि आप सब लोग को बताए, और सेकेंड ईयर में भाई खास कर भाई इतना ज़्यादा भाई कोडिंग का एकदम तो अपग्रेड आ गया ना भाई। जो रो से पहले मतलब फर्स्ट ईयर थे तो मतलब एक करते बच्चे थे भाई, कुछ नहीं करते थे, चल जाता था भाई खेल कूद निकाल दिया। सेकेंड ईयर में भाई जो हालत हो रखी है ना भाई,
बहुत खराब भाई। और यही टाइम है भाई जब इंसान खेल सीखता है, समझ रहे हो। तो आज भी हो गया, अब चलो चलते हैं घर और पहुंचते हैं घर में भाई। जब मैं सोचा हूँ भाई कि ऐसे ही आप लोग को ब्लॉग्स मिलते रहेंगे आवाज़ से, और जितने भी लोग भाई नए हो जाके सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ और, अपने चैनल पे मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है, जाके एक बार देखना। थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी बाहर क्योंकि ट्रैफिक वगैरह है यहाँ पे ऑलरेडी, तो वो चीज़ को हम ओवरकम करेंगे, जितना कम बार कर पाएंगे कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से जाना, सब्सक्राइब कर देना जितने नए लोग, और जितने भी भाई लोग तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह हैं हम उनको बहुत ज़्यादा आंसर करते हैं भाई, ठीक है। कुछ को क्योंकि भाई कॉलेज वगैरह का दिन भर रहते हैं भाई पीछे से, तो पॉसिबली कोशिश करेंगे सबके आंसर करेंगे। और आप लोग जितने भी लोग को भाई पूछना है, कोशिश करो भाई आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन कोई बहुत महंगा नहीं है, बहुत छोटा सा प्लान है, जाके एक बार चेक करना ज्वाइन पे जाके। सब्सक्रिप्शन से फायदा क्या होगा, आप में से जितने भी लोगों सबको भाई प्रायोरिटी रिप्लाइज का बैच मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे पर्क मिल जाएंगे भाई, वो मैंने लास्ट ब्लॉग में समझाया हुआ था कैसे क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उसके साथ साथ। तो जाके एक बार सब्सक्राइब करना और ज्वाइन कर लेना चैनल, बहुत बढ़िया मजे करेंगे साथ में। और हाँ, मेंबर ओनली वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जितने लोग मेंबर्स हो भाई, आप लोग मेंबर्स लोग हो तो देखो जाके मजे करो जाके, ठीक है। बाकी ये नॉइज़ बहुत हो रही, घर पहुँचते हैं फिर करते हैं आप लोग से बात। आ चुके हैं भाई वापस से अपने घर, और हो गया कॉलेज वॉलेज कम्प्लीट, अपना सब खत्म हो गया, आ गए घर। और आते आते भाई जुकाम इतना ज़्यादा हो गया ना भाई, सुबह से जुकाम भाई हो रखा है, सुबह से हालत ख़राब हो रखी है भाई। पता नहीं अभी ठीक हुए थे, फिर से भाई देखो तबीयत बिगड़ने लग गई भाई, पता नहीं कब तक भाई वायरल चलेगा यार, ये कब सही होगा जाके। तो ऐसे पूरा सीन है। बाकी आज से भाई अपन ने प्रोजेक्ट वगैरह भी अपना स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्ट वगैरह आपको बता देते हैं किस चीज़ पर। अपन लोग डिज़ाइन कर रहे हैं एक एप्लीकेशन, तो ऐप डेवलपमेंट में हम लोग हैं, तो उस चीज़ का प्रोजेक्ट चल रहा है अपना। बाय द वे अभी तो हमारी टीम में हम ही हैं और एक लोग और हैं, दो लोग हैं भाई, बाकी देखते हैं, कोशिश करेंगे और टीम को बढ़ाएंगे। बट मैं ज़्यादा चाहता नहीं हूँ ज़्यादा लोग बढ़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ लोग होंगे उतने ज़्यादा अप्रोचेस होंगे, फिर इससे अच्छा जितने कम लोग होंगे उतने कम अप्रोच, उतने कम डिसीजन, उतने कम एग्जीक्यूशन होंगे, तो ये सोच रखा है। बाकी अब तो घर आ गए भाई, अभी नोटबुक वगैरह भी खरीद के लाए थे, आज से DSA वगैरह काम वगैरह स्टार्ट कर देंगे भाई, जो काम मिल रहा है भाई कॉलेजेस में। अभी तो शीट्स वगैरह पे लिख रहे थे, बट अब फाइनली ऑफिशियली लिखना चालू कर देंगे, क्योंकि भाई हमारा प्रॉपरली तरह से यूनिट वगैरह स्टार्ट हो गए, एग्जाम वगैरह आने वाले हैं, मतलब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ और उसके एग्जाम वगैरह भी आने वाले हैं, नए CT आने वाले हैं, नए CT का एग्जाम देखो कब से होता है भाई। और हाँ, एक चीज़ और भाई, बहुत जल्द भाई हमारी फ्रेशर भी आने वाली है। एक जो आपने चैनल पर फ्रेशर व्लॉग देख रखा हो, जिसने नहीं देखा जाके एक बार व्लॉग देखना फ्रेशर वाला भी, ठीक है, नीचे पड़ा होगा फ्रेशर का, फिर सर्च करना फ्रेशर तुषार निगम आ जाएगा भाई। तो हाँ भाई, मैं कह रहा था कि प्रेशर आने, तो वाली प्रेशर से अब एक साल हो गया भाई, अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए, तो अब अगेन वही प्रेशर आएगी हम लोग के नए, जितने भी आप लोग भाई लोग BTech के भाई लोग आ रहे हो भाई कॉलेज, तो आप लोग के लिए फ्रेशर्स भाई, तो उन सब की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है भाई। जितने भी आप लोग देख रहे हो भाई BTech फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप लोग का वैसे डेट तो आ गई 24 से स्टार्ट होने, साथ ही साथ आप लोग की भाई फ्रेशर्स की भी डेट आ गई है, वो डेट मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो वो चीज़ मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ अभी बस खाली आओ मजे करो, फ्रेशर्स की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। पहली फ्रेशर जो होगी वो BCA BBA की होगी, फिर उसके बाद BTech की होगी, तो BCA BBA की तो अभी तुरंत ही होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, और BTech की जो डेट आई है वो अभी थोड़ा सा टाइम है, मतलब आप लोग के आने के हैं, ज़्यादा रिवील मत कराओ। तो फ्रेशर भी आने वाली है, उसका भाई एक्साइटमेंट हो रखा है, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में जब हम लोग थे तो हमारे जो सीनियर्स थे, सेकेंड ईयर के भैया वगैरह थे, उन्होंने अरेंजमेंट सब किया था। इस बार भाई पूरा वो जो है भाई फ्रेशर का अरेंजमेंट वो सेकेंड ईयर के ऊपर होने वाला है, वो सेकेंड ईयर वाले करेंगे, तो होपफुली आप सब लोग के लिए भाई बहुत अच्छी कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छा सा इवेंट्स रखेंगे और बहुत सारे मज़े करेंगे। कुल मिला के भाई जितने भी आप लोग नए लोग हो भाई BTech के, फार्मेसी के, जितने भी लोग के फ्रेशर हैं भाई, सब लोग भाई खूब इंजॉय करोगे एंड बहुत जल्द होगी फ्रेशर, ठीक है। तो उसके लिए ट्यून रहना भाई मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना जाके, तो ऐसा पूरा सीन है। बाकी ठीक है। और भाई आज पता नहीं क्या हुआ, जब मैं व्लॉग मेरे कैमरे में ब्यूटी प्लस ऑन हो गया, मतलब हर एक कैमरे में ऐसे ब्यूटी का फिल्टर आता है, पता नहीं वो कैसे ऑन हो गया भाई। मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड के लिए भी मैं घर आके जब क्लिप देखा, तब मैंने देखा अरे यार ये तो भाई ब्यूटी वीडियो बन गई है, तो 2-3 मिनट जो थोड़ा सा हो गया था ब्यूटी वाला,
तो प्लीज उसको समझ लेना, आगे से गलती नहीं होगी क्योंकि उसको हमने प्रॉपरली तरह से हटाई दिया है उस फीचर को कैमरे से, तो ऐसा पूरा सीन है। बाकी व्लॉग भी बड़ा हो रहा होगा, सो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।